मैकडॉनल्ड्स के न्यूली लॉन्च ड्रैप्स ट्राई किए हैं? क्या आपने केएफसी के न्यूली लॉन्च बर्गर्स ट्राई किए हैं? क्या आपको पता है पिज्जा हट ने अभी न्यूली मेल्स लॉन्च किया है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं ना। तो आज हम इस वीडियो में ट्राई करने वाले हैं न्यूली लॉन्च आइटम फ्रॉम एवरी फूड जॉइंट्स। Hi, hello, namaste, welcome back to OMG Films, powered by OMG Films. I am Bhoomi. And I am Harsh. तो चलिए रिव्यू करते हैं। नहीं नहीं, पहले ऑर्डर करते हैं। So guys, सारे ऑर्डर्स आ गए हैं और ऑलरेडी हम बहुत एक्साइटेड हैं। मुझसे तो रहा नहीं जा रहे और लेट्स ट्राई, जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मैकडी से, क्योंकि मैकडी भूमि का फेवरेट है। Guys, McDonald's में तो हमने अभी तक बर्गर्स ही ट्राई किया है और मैकडॉनल्ड्स की पहचान ही बर्गर्स है, सो लेट्स सी रैप्स इनका पहचान बनता है या नहीं। मेरा तो मैक चीज ऑल टाइम फेवरेट बर्गर है और इसका तो आलू टिक्की है, सस्ते में हो जाता है। तो लेट्स सी ये रैप एमएसबी टेस्ट वेरीफाइड है या नहीं। सो लेट्स ट्राई। ये तो मुझे नॉर्मल रोटी लग रही है, देखते हैं खाके कैसा होता है। गाइस, इन्होंने क्या किया है कि जो बर्गर का जो पैटी रहता है वो पैटी इन्होंने इसमें डाला है और थोड़े से वेजेस है, ऑनियन और कैबेज, और रोटी में रैप करके दे दिया। पर अच्छा लग रहा है। गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मैंने फर्स्ट बाइट लिया और सिर्फ उनकी लाइक चपाती ही आई लाइक टेस्ट में। देन सेकंड बाइट लेने पे टेस्ट इज लाइक गुड बट नॉट दैट मच सैटिस्फाइड। आई थिंक कि इन्होंने सॉस थोड़े कम यूज किए, थोड़ा ज्यादा सॉस रहते ना तो अच्छा लगता। लाइक ये बहुत एफर्टलेस रैप लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। बाकी ओवरऑल अच्छा है, बस थोड़े सॉसेस और ऐड करते ना तो अच्छा लगता है। लाइक इन्होंने इसमें लिखा था कि होल व्हीट है करके, और हे लग रहा है होल व्हीट लग रहा है, तो जो लोग जिम के लिए चीट मील्स ढूंढ रहे हैं ना उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ज्यादा अनहेल्दी भी नहीं है तो खा सकते हैं। हाँ, और वेजेस भी अच्छे खासे अमाउंट में डाला है उन्होंने, एंड पैटी में भी लाइक कॉर्न एंड ऑल ऐसे आ रहा है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डेजर्ट की ओर। तो लेट्स ट्राई ये मैग्डी का लोटस बिस्कुट मैक फ्लरी। तो ये बहुत नॉस्टैल्जिक फील देता है, क्योंकि बचपन में ये लोटस बिस्किट जो है मैं बहुत खाता था, मेरा फेवरेट था। पर अभी देखते हैं ये आइसक्रीम के साथ कैसा लगता है। लेट्स ट्राई द कॉम्बिनेशन। गाइस, अब तक मैंने ओरियो मैकफ्लरी खाया एंड व्हिच इज माय वन ऑफ पर्सनल फेव। मैकफ्लरी तो बेस्ट है। या सो लेट्स ट्राई दिस। तो ये हमने ऑर्डर किया है तो थोड़ा सा मेल्ट हो गया, थोड़ा नहीं ज्यादा मेल्ट हो गया। लेट्स मेल्ट जाने दो, नेवरदलेस हम ट्राई करते हैं, चल ना। लेट्स ट्राई। ये आइसक्रीम और वो बिस्किट का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आइसक्रीम में इन्होंने वैनिला जो इनका नॉर्मल रहता है तो वैनिला के साथ ये बिस्किट थोड़ा क्रंचीनेस आता है, अच्छा लग रहा है। नाइस। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतना कुछ ऐसा स्पेशल तो लगा नहीं है, बाकी ऑफ कोर्स नहीं। जब भी मैंने भी पहली बार सुना था ये कि लोटस करके बिस्किट को आइसक्रीम में डाल रहे करके बिस्कुट वगैरह, तो मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन मैंने जब ट्राई किया तो अच्छा लगा, मुझे तो पसंद आया। अकॉर्डिंग टू मी ओरियो मैकफ्लरी, हाँ वो तो है कि ओरियो को मतलब ओरियो तो बेस्ट है, लेकिन ये भी कम नहीं है। ओरियो इज बेस्ट। वाह। तो अभी नेक्स्ट हम कौन सा ब्रांड ट्राई करेंगे? ओके, तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं केएफसी के न्यू लॉन्चेस। तो
तो ये है वेज और ये है नॉन वेज बर्गर. स्ट्रॉ का दिल है डेजर्ट हासिल कर रही. सारी उम्र मैं जोकर बने आ रहा तूने झूठ मुझ. तो गाइस वेज में हमने ले लिया है केएफसी पनीर जिंगर बर्गर और ये है कैरिबियन चिकन बर्गर. लेट्स ट्राई. क्वांटिटी तो अच्छी खासी लग रही है गाइस. बर्गर की साइज देखो. तो गाइस कैरिबियन स्पाइसी लिखा था तो देखते हैं ये स्पाइसी है या नहीं या किस लेवल का स्पाइसी है. लेट्स ट्राई गाइस. ये काफी टेम्पटिंग लग रहा है. सी द सॉसेस एंड द पैटी. ये देखो सेम ही सॉस यूज करते हैं और कैबेज है ऑनियन है टमाटर है और ये पैटी. लेट्स ट्राई. गाइस दिस इज अमेजिंग. वाओ. तो गाइस सॉसेस और इसके जो पैटी है वो बहुत ही अच्छी है और स्पाइसी मैंने बोला था कि स्पाइसी देखते हैं कितना है. बहुत स्पाइसी है गाइस क्योंकि अभी जब ही कट हुआ ना तो मुझे हिचकी आ रही थी. जब भी मैं ऐसा कुछ स्पाइसी और टेस्टी खाता हूँ ना तो मुझे हिचकी आती है और ये खाने के फर्स्ट बाइट पे मुझे हिचकी आई थी. तो बहुत ही फेवरेट है. अच्छा लगा. दिस इज वेरी जूसी आप देख सकते हो और ये जो पनीर की जो टेक्सचर है ना मतलब काफी एकदम ऐसे मुंह में रखते इट्स मेल्टिंग एंड ओ माय गॉड वाओ. ये जो चिकन है ना इसके अंदर वो बहुत ही ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट है. बहुत अच्छा लग रहा है ये स्पाइसेस के साथ. केएफसी का मुझे ये एक अच्छा लगता है कि इनका जो चिकन या पैटी रहता है ना वो बहुत क्रिस्पी रहता है. वो इसके लिए खाने में बहुत मजा आता है. तो बहुत सारे इन्होंने हर्ब्स इंफ्यूज किए हैं वो भी बहुत स्पाइसी लग रहा है क्योंकि उसके वजह से भी स्पाइसीनेस बहुत बढ़ गया है इसका और बहुत ही स्पाइसी है. मस्त लग रहा है खाने में मजा आ रहा है. और इंडियन लोगों को कैसे मसाले बहुत लगते हैं स्पाइसीनेस लगता है. मस्त एक नंबर. नेक्स्ट हम ब्रांड ट्राई करेंगे उनका पिज्जा. ओ ये जिसके लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं बहुत एक्साइटेड है जो है पिज्जा हट का मेल्स. Let's try meds. Labeling नहीं किया है यहाँ पे. जिसके लिए हम काफी excited थे. I mean मैं. Meds. तो open करके देखते हैं. Oh, ये वाला veg है. Guys, हमने एक non-veg और एक veg order किया था और which is very disappointing कि इन्होंने बताया नहीं कि व्हिच इज वेज एंड व्हिच इज नॉन वेज. सो या वेज में तो बहुत ऐसा चीज ऐसा मेल्ट होता हुआ दिख रहा है. आई एम गोना ट्राई नॉन वेज. नॉन वेज में बहुत सारा चीज दिख रहा है मेल्टेड. असली में मेल्ट लाइक दिख के आ रहा है. उन्होंने कुछ मसाला भी डाला है ऊपर से. सो लेट्स नॉट वेट एनी लॉन्गर. नाइस मसाला अच्छा है एंड लेट्स ट्राई. वाओ जो चीज मेल्ट हुआ है ना गाइस. गाइस दिस इज सो टेम्पटिंग. ऐसे खाने में तो पिज्जा की टेस्ट आ रही है बट इन्होंने जो चीज डाली है एंड ऊपर से जो स्पाइसेस डाली है एंड पनीर वो लाइक वेजेस भी अच्छे से बेक हो गया है एंड दिस इज यम्मी. बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये ऑब्वियसली तो मैदा है पर जो टेस्ट आ रहा है ना इसका वो चीज के वजह से ये स्पाइसेस के वजह से और ये सब चिकन. वाह वाह. लाइक आई कैन से सबर का फल वाज टेम्पटिंग एंड टेस्टी. वाह वाह. हाँ जितना ऐसा हम लोग ने सोचा था एक्सपेक्टेशंस मैच मैच. तो गाइस अब तक का सबसे बेस्ट हमें मेल्ट ही लगा
मुझे तो मेन से लगा, मुझे भी ऑफ कोर्स, मैं तो खाने को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ खाने से। एंड गाइस लेट मी स्पेसिफाई, इनकी जो लाइक कोटिंग है ना वो इतनी भी ऐसे जाड़ी नहीं है, और लाइक चीज और वो लाइक ऐसे काफी हद तक ऐसे अच्छे से मेल्ट हो चुका है, एंड दिस इज नेक्स्ट लेवल। इसको और एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ट्राई करें, जरूर ट्राई करें। तो अभी हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे सबवे, तो उसके बाद बताते हैं कि ओवरऑल हमारा सबसे बेस्ट या हमारा सबसे फेवरेट कौन सा है। तो लेट्स ट्राई सबवे। तो गाइस वेज में हमने ले लिया है दिल्ली टिक्की सैंडविच, और नॉनवेज में हमने ले लिया है रोस्ट चिकन चीज मेल्ट सैंडविच। बहुत टफ नेम है, तो देखते हैं ये सैंडविच कैसा है। लेट्स ट्राई। दिखने में तो अच्छा लग रहा है गाइस, ये भी हमने ऑर्डर किया था तो थोड़ा सा सॉगी हो गया है। नेवरदलेस लेट्स ट्राई। लेट्स ट्राई गाइस, इनमें इन्होंने क्या किया है, चिकन के पीसेस डाले हैं, थोड़े से ऑनियंस एंड कैबेजेस वगैरह डाले, और ये जो ब्रेड है ये बहुत छोटा लग रहा है मतलब सबवे के हिसाब से, क्योंकि सबवे का जो सब्स रहते हैं, जो उन्होंने लेवल सेट किया है सब्स का, उसके हिसाब से ये थोड़ा लोअर है। गाइस सैंडविच बोला तो लाइक ग्रीन तो अच्छे से हुआ, और सॉसेस और लाइक स्टफिंग भी है अच्छी खासी, बट अगेन बहुत ऐसे सॉगी लग रहा है, एंड लाइक इतना वाव नहीं है। और सॉसेस मुझे लगता है कि और सॉसेस वो ऐड कर सकते थे, क्योंकि एक ही सॉस डाला है इन्होंने, प्लेन एक ही सॉस है, तो अगर और सॉसेस ऐड करते तो और अच्छा लगता। गाइस इन्होंने जो सॉस डाला है ना वो काफी लाइक ऐसे टैंकी भी है, थोड़ा स्पाइसीनेस भी आ रहा है, एंड बहुत सटल फ्लेवर है, सो लाइक बहुत अमेजिंग लग रहा है सॉस के साथ। तो बाकी इज ओवरऑल इट्स ओके, लाइक नॉट दैट मच अमेजिंग, नॉट बैड, ओवरऑल अच्छा लग रहा है। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, और ओवरऑल सब में हमें सबसे बेस्ट लगा जो है मेल्ट्स पिज्जा हट का। वर्थ इट है, मतलब आपके मनी के लिए भी वर्थ इट है, और टेस्ट के हिसाब से भी बेस्ट, काफी अफोर्डेबल भी है एंड वर्थ फॉर द प्राइस। और काफी कम टाइम ऐसे होता है जब मेरे और हर्ष की चॉइस लाइक मैच होती है, एंड ऑफ कोर्स आज हम दोनों को ही पिज्जा हट का मेल्ट ही अच्छा लगा है, व्हिच वाज द बेस्ट। सो पिज्जा हट का मेल्ट इज अमेजिंग टेस्ट वेरीफाइड, एंड आप मैक फ्लरी भी ट्राई कर सकते हो, बिस्कॉप वो भी बहुत अच्छा है, ओरियो ओरियो तो बेस्ट ही है, पर मैक फ्लरी बिस्कॉप। तो ऐसे ही और वीडियोस, चैलेंजेस के वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। सो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो, फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट्स प्लीज फॉलो अमेजिंग टेस्ट पावर्ड बाय OMG फिल्म्स एंड एक्सप्लोर ईट एंड रिपीट। बाय।